अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग एक फ्रेडर हॉल के बारे में है, जो कि कराची में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो सबसे पहले उसके मतलब आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं, उसकी कंस्ट्रक्शन 1863 में शुरू हुई और 1865 में कंप्लीट होगी, मतलब कि 2 साल में उसको उसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई, उसको बनाया गया। इसका पर्पज़ इसको एक टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल करना था, और फिलहाल तो टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अभी इसमें लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी है। तो भाई लोगों, इसके आर्किटेक्चर में से 12 कैंडिडेट ने अपना आर्किटेक्चर पेश किया था, और उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हुआ था, जिसका नाम था हेनरी सेंट क्लेयर विल्कन्स। और इसका शुरू से नाम फ्रेडर हॉल नहीं था, बल्कि 1877 में जब एक इनका मतलब बड़ा अहदेदार था कोई, उसका नाम था हेनरी एडवर्ड फ्रेडर, जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसके नाम से ये मनसूब कर दिया गया। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बने हुए 156 साल हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी दीवारें और इसके दरवाज़े वगैरह देखें ना, दरवाज़े लकड़ी के और जो ऊपर लकड़ी का काम हुआ वो वैसे के वैसे है। अगर आजकल का कोई ठेकेदार होता तो ये कब का ख़त्म हो चुका होता। इसकी बुनियाद वैसे की वैसे, डेकोरेशन जैसी 156 साल पहले थी, अब भी वैसे ही है।